हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं कॉलेज से वापस आ गई हूँ और देहरादून का मौसम बदल चुका है। कल बहुत बारिश हो रही थी, आज बहुत कड़ाके की धूप थी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। जो धूप निकली थी बहुत ही अच्छी निकली थी, पर मैं बना नहीं पाई। फिर कभी कोशिश करेंगे। और अभी मैं सूप पी रही हूँ, बहुत टेस्टी है, तो इसको मैं ख़त्म करूँगी थोड़ी देर में। और आज हम किस बारे में बात करेंगे? रूम मेरा थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया है, इसको ठीक करना होगा। मे बी संडे मंडे मुझे वो टाइम मिलेगा उसे ठीक करने का, बट अभी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, मुझे खुद भी नहीं वो साफ सुथरी लग रही हैं, पर हम कोशिश करेंगे उसको साफ करने की। पर संडे मंडे को आज नहीं, आज मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर भी साफ करूं और भी काम करूं। ऑल दो समय अभी हो रहा है 6:10 हुआ है और मैं बस आई हूँ और मैं थोड़ी थक गई थी। चीज़ें इधर उधर फैली हुई है रूम में, और जैसे मैंने कहा कि मंडे से सैटरडे तक सारा क्योस में जाता है। उसको मैं ऑर्डर में डालने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा क्या बात कर सकते हैं हम आज? आज हम बात करेंगे कि आप जब सुबह उठते हैं वो क्या चीज़ है जो आपको सुबह उठाती है? ये किसी चीज़ का डर है जो आपको सुबह उठने के लिए मजबूर करता है, या फिर आप इतने एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए कि आप खुद ब खुद सुबह उठ जाते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है कि नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। जिसे मोटिवेशन भी कहते हैं, कि वो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है सुबह उठने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि सुबह आप शायद ऑब्लिगेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उठते हैं, वो एक तरीका है जीने का। दूसरा तरीका है, आपको इतना अच्छा लगता है जो भी आप कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं कि आप अपने आप ही सुबह उठ जाते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में सोच रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से चलते चलते उस बारे में बात करूंगी, राइट? हाँ, तो जब आप बात करते हैं एग्जैक्टली वो बोर्ड कंधा है उसे मैं साफ नहीं कर पा रही हूँ। तो जब हम बात करते हैं आपको क्या चीज़ सुबह मोटिवेट करती है, तो आपको कई बार मोटिवेशन बहुत एक्सटर्नल होता है। जैसे कि अगर आप छोटे बच्चों को देखें, तो अगर आप उन्हें बोलेंगे कि तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा, अब वो बच्चे का मन इसलिए नहीं पढ़ने में लगा है कि वो फर्स्ट आएगा, उसका मन इसमें लगा है साइकिल मिलेगी इसलिए मुझे पढ़ना है। तो कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन काम करता है, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं काम करता है, उनको मोटिवेट करता है, क्योंकि उस टाइम पे शायद इंटरनल मोटिवेशन इतना पता नहीं। बट एक एज के बाद आप पाएंगे आपके इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको खुद इंट्रेंसिकली वो कंटेनमेंट मिलना चाहिए जो चीज़ आप कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड में ऑब्जर्व की है कि अगर आपको इंटरनल, आप वो इंसान हैं जिसको इंटरनली चीज़ें मोटिवेट करती हैं करने के लिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आपको अगर वैलिडेशन से मैटर नहीं करता है या एक्स वाई जेड कोई भी तरीका, आप इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि आप इतने इंग्रॉस्ड रहते हैं, तो उस सिचुएशन में आई थिंक काफ़ी ग्रोथ होती है इंसान की लाइफ में। बट अगर आपके अंदर वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं है और एक्सटर्नल मोटिवेशन आप पे काम नहीं करता है, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। मैं एक बार समझने की कोशिश कर रही थी कि
एग्जैक्टली क्या होता है जो आपको सुबह सुबह उठा देता है? ये रीजन तो नहीं है कि आप लेट पहुंचेंगे कहीं पे, लेट पहुंचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, और या दूसरा चीज है कि आप सुबह उठते इसलिए कि आपको इतनी सारी चीजें करनी है, आपको इतनी पसंद है वो सारी चीजें कि आप सुबह उठ गए हैं इसलिए क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें करनी और वो आपको करनी पसंद है। दोनों में बहुत फर्क है। एक फियर स्टेट ऑफ माइंड से आता है, डर की वजह से आप चीजें कर रहे हैं, और एक होता है विच आई थिंक इट्स अबंडेंस माइंड सेट। आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि आप कैसे अच्छा फील करेंगे। सो मैं कुछ पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि अगर कभी भी आप कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आए तो पूछिएगा अपने आप से कि वेयर इज जॉय, जॉय कहाँ पे है, और जहाँ पे भी आपको जॉय दिखे गिवन टाइम में उस जॉय की तरफ जाना चाहिए। अगर वो जॉय आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करने में आ रहा है तो आपको करना चाहिए, अगर वो जॉय आपको सुबह उठ के दौड़ने में आ रहा है तो आपको करना चाहिए, अगर वो जॉय सुबह आपको किताब पढ़ के आ रहा है तो आपको करना चाहिए, मतलब वो जॉय कहीं पे भी, और ये पूरे दिन में आप ट्राई कर सकते हैं। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हों कि आपके अवेयरनेस आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप बस अपने आप से एक सवाल पूछेगा कि वेयर विल आई गेट दी जॉय और वेयर विल आई गेट दी हैप्पीनेस। एंड जब आप सवाल ही अपने आप से पूछते हैं वेयर विल यू गेट योर जॉय और हैप्पीनेस, आप इंटर